बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ नवीद नवाज़ एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट टेंसेस। बेटा, जैसे कि आप जानते हैं, टेंसेस तीन तरह के होती हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, नंबर टू पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम उर्दू में ज़माना हाल कहते हैं। ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त, जो मौजूदा वक्त के बारे में हमें बताता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, मौजूदा वक्त के बारे में। पास्ट टेंस ज़माना माजी, ज़माना माजी गुजरा हुआ वक्त, जो भी बातें पास्ट में हुई थीं ये टेंस हमें उनके बारे में बताता है, गुजरे हुए वक्त के बारे में होने वाले कामों का बताता है, गुजरा हुआ वक्त। और फ्यूचर टेंस ज़माना मुस्तकबिल, आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि मुस्तकबिल आने वाले वक्त को कहा जाता है। आने वाले वक्त में जो काम होगा वो हमें फ्यूचर टेंस के ज़रिए से पता चलेगा, तो आने वाला वक्त इसे उर्दू में कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस को फोर जो है ना पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पास्ट को भी किया जाता है और फ्यूचर को भी किया जाता है। तो आज प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के हवाले से मैं आपको समझाऊंगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि टेंसेस से पहले जो बुनियादी तीन चीज़ें हम हर टेंस में यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन को हमने हर सूरत हर टेंस में यूज़ करना होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हम काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। फिक्रे में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब असल काम, जिसे इंग्लिश में एक्शन वर्ड कहा जाता है। हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, सोना, काम करना, सब ये हमारे एक्शंस हैं और इन एक्शंस को वर्क कहा जाता है, काम। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसकी बेटा एग्जांपल्स आ जाएंगी, तो एग्जांपल्स ठीक है ना, अली ईट्स एन एप्पल, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने मेंशन करना है। अब इस फिक्रे में जो काम करने वाला बंदा है वो अली है, वो खाने का काम कर रहा है, काम करने वाला शख्स अली है, तो इसलिए अली सब्जेक्ट है। अली क्या है? सब्जेक्ट। अब उसका असल काम क्या है? उसका असल काम खाना है, जो उसका एक्शन है वो खाने का है, तो इसलिए ईट्स खाना ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब। और खा क्या रहा है? जिस पर काम हो रहा है वो चीज़ ऑब्जेक्ट है। और अली किस पर काम कर रहा है? एप्पल पर, एप्पल को खा रहा है, काम एप्पल पर हो रहा है, तो इसलिए एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा बेटा, अ वुड कटर कट्स वुड्स इन द फॉरेस्ट, अब गौर से सुनिए कि इसमें आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को मेंशन करना है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस फिक्रे में काम करने वाला लकड़हारा है, वुड कटर है, तो इसलिए वो सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अब इस लकड़हारे का, वुड कटर का जो असल काम है इस फिक्रे में, वो कट करना है, काटना है, तो इस हवाले से जो कट्स है ये वर्ब है, उसका असल काम, उसका एक्शन कट करना है। अब कट किन्हें कर रहा है? ठीक है ना, किन पर काम हो रहा है? वो वुड्स हैं,
वो क्या है बेटा, वुड्स हैं, तो इसलिए ये वुड्स ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन पे काटने का काम किया गया है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट। इन द फॉरेस्ट इज द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसे नहीं देखना आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के हवाले से, तो इन तीनों पर फोकस करना है आपने। इसके अलावा माई मदर कुक्स राइस फॉर सुपर, मेरी अम्मी रात के खाने के लिए चावल पकाती हैं, तो इसमें चावल पकाने वाली आपकी मदर हैं, अम्मी हैं, ठीक है ना, काम करने वाली मदर हैं, तो इसलिए माई मदर जो है ये सब्जेक्ट है। अब उनका काम क्या है, उनका एक्शन क्या है, वो पकाना है, कुक, तो इसलिए ये कुक्स जो है ये वर्ब है। पका क्या रही हैं, काम किन पर हो रहा है, चावलों पर, वो पक रही हैं, तो इसलिए ये राइस ये बेटा ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, वर्ब असल काम यानी एक्शन वर्ड को कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। विद एग्जांपल्स आपको तफसील से मैंने समझा दिया है। उसके बाद बेटा हम टेंस की तरफ आ जाते हैं। आज जो टेंस में आपको समझाने लगा हूँ वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले आपको पता है कि हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, टेंस को डिफाइन किया जाता है। ये टेंस यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस ज़माने हाल में किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। ज़माने हाल आपको बताया मैंने क्या होता है, मौजूदा वक्त, ना उसका पास से ताल्लुक़ है ना फ्यूचर से ताल्लुक है, हाल से यानी मौजूदा वक्त से ताल्लुक़ है। तो मौजूदा वक्त में होने वाला कोई भी काम है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को शो करता है। ये टेंस किसी भी, ठीक है ना, काम को ज़माने हाल के मुताबिक जाहिर करता है, मौजूदा वक्त में जाहिर करता है। ये टेंस मौजूदा वक्त में होने को जाहिर करता है। फिर बेटा रिकग्निशन की तरफ आ जाते हैं, पहचान की तरफ। आप इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी फिक्रा है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का है, वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का। तो उर्दू फिक्रे होती हैं, हमने उन उर्दू फिक्रों की पहचान करके टेंस की पहचान करनी होती है, और फिर टेंस के मेथड के मुताबिक उन्हें हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इस बात को समझें, तो उर्दू फिक्रों के आखिर में, हर टेंस के उर्दू फिक्रों के आखिर में मखसूस अल्फाज होती हैं, तो उनको आपने जहन में रखना है, उनकी मदद से आप टेंस को पहचानेंगे। उर्दू फिक्रों के आखिर में, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ती हूँ, ते हैं, ता हूँ, ठीक है ना, ते हो वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। उर्दू फिक्रों के आखिर में बेटा जो अल्फाज आएंगे वो ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ते हो वगैरह, ये अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं पानी पीता हूँ, वो खाना खाता है, वो चाय बनाती है, वो हो क्रिकेट खेलते हैं, अब देखें मैं पानी पीता हूं, तो बिल्कुल आखिर में आप देखें ता हूं आया हुआ है,
उसके बाद वो खाना खाता है, तो आखिर में देखें आप ता है आया हुआ है। वो चाय बनाती है, आखिर में ती है आया हुआ है। वो क्रिकेट खेलते हैं, आखिर में ते हैं आया हुआ है। तो इन फिक्रों को जहन में रखकर, फीड करके अपने माइंड में आप टेंस की पहचान करेंगे, आप टेंस की पहचान करेंगे। यही इसका आसान तरीन तरीका है कि उर्दू फिक्रों में टेंस की पहचान इस तरह से होती है। उसके बाद बेटा मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग आता है। उसमें सबसे पहले आपको पता है कि सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि इन सिंपल सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो जो भी आप नाम ले दें एक ही बात है। इसकी सीक्वेंस बेटा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, हर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ज़हन में रखें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको अभी तफसील से समझाया है, उसके बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। वो हो सच बोलती है, शी स्पीक्स द ट्रूथ। वो अपने दांत साफ करता है, ही ब्रशेज हिज टीथ। अब आप देखें फॉर्म ऑफ वर्ब पे फोकस करें कि मैंने यहां फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, लेकिन इधर देखें यहां मैंने एस का इजाफा किया है और इधर ई एस का इजाफा किया है। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया अपनी तरफ से, ये एक मखसूस तरीके और मेथड के मुताबिक मैंने किया है। अब इसका असूल ये है, तरीकाकार ये है, तवज्जो से सुनिए, कि सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो, फिर से सुने, सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। लेकिन सब्जेक्ट अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगल नेम हो, ही शी इट या सिंगल नेम हो, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगल नेम हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने फ्लावर के साथ एस लगाना है और फ्लावर के साथ हमने ई एस लगाना है, एस नहीं लगाना? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में अगर ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए या एक्स आ जाए, तो फिर हम ई एस लगाते हैं, ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई ना हो तो फिर सब वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर गो। अब आप देखें गो के लास्ट में ओ आया हुआ है तो हम गोज ई एस का इजाफा करेंगे। पुश, पुश के लास्ट में देखें क्या आया है, एस एच, तो ई एस का इजाफा होगा, पुशेस। कैच, आखिर में सी एच आया है तो कैचेस, सी ए टी सी एच ई एस, ई एस का इजाफा किया है हमने। मिक्स, एक्स आया है तो ई एस का इजाफा करेंगे, मिक्सेस। इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि कुछ बच्चे, ये वर्ब की बात हो रही है, वो प्लूरल नाउन की तरफ चले जाते हैं, जैसे बॉक्स है तो वो जो है ना एग्जांपल्स में बताना शुरू हो जाते हैं, सर बॉक्स नहीं बेटा वो नाउन है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं।
हम वर्ब की बात कर रही हैं, वो वर्ब जिसके आखिर में एक्स आए उसके साथ में ई एस का इजाफा करना है, ये सिंगुलर प्लूरल में नहीं जाना आपने। उसके बाद पास, पासिस, ई एस का इजाफा किया, तो जिन वर्ब्स के आखिर में ओ आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए या डबल एस आए उसके साथ हमने ई एस का इजाफा करना होता है। उसके बाद बेटा आगे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी तफसील से समझाया जाएगा। इसको मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, तवज्जो से सुनिए कि बुनियादी तौर पर टेंस तीन होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को ज़माना हाल, पास्ट को ज़माना माजी और फ्यूचर को ज़माना मुस्तकबिल कहा जाता है। ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त, माजी गुजरा हुआ वक्त और मुस्तकबिल आने वाला वक्त, जो वक्त आएगा उसके बारे में। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब असल काम को और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। ये मैंने तफसील से एग्जांपल्स आपको समझा दी थी। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की तरफ आती हैं, तो ये टेंस किसी काम के करने या होने को मौजूदा वक्त में जाहिर करता है। इसकी पहचान उर्दू फिक्रे के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ते हो वगैरह आ जाता है। फिर मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग आता है, फिक्रे बनाने का तरीका, उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस आती हैं, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद एग्जांपल्स बेटा दिए आपको, आई टेक टी, शी स्पीक्स द ट्रूथ, ही ब्रशेस हिज टीथ। अब मैंने आपको आगे बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने एस का इजाफा नहीं किया, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ एस का इजाफा किया और कुछ के साथ ई एस का इजाफा किया। तो ये एक मखसूस तरीके के मुताबिक उसे आप समझिए कि सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि फ्लां वर्ब के साथ आपने एस का करना है और फ्लां के साथ ई एस का करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में ओ आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है या डबल एस आता है तो फिर हम ई एस लगाते हैं, वरना बाकी सब वर्ब्स के साथ एस लगाएंगे। थैंक्स।